राजस्थान में आखिरकार मंत्रिमंडल का गठन भी हो ही गया। अशोक गहलोत ने दिल्ली आलाकमान से मोहर के बाद 23 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला दी, जिनमें 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए। गहलोत सरकार में 18 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं 5 तजुर्बेकारों को एक बार फिर गहलोत के सिपह सलारों में शामिल किया गया है। वैसे तो भारतीय राजनीति में पंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक शिक्षा की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको टीम गहलोत के मंत्रियों की डिग्री के बारे में बता देते हैं। बीडी कल्ला पीएचडी, रघु शर्मा पीएचडी, सुभाष गर्ग पीएचडी, हरीश चौधरी एमए अर्थशास्त्र, ममता भूपेश एमबीए, शांति धारीवाल एलएलबी, अशोक चंदना पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर भंवर लाल मेघवाल ग्रेजुएट, भंवर सिंह भाटी ग्रेजुएट, प्रताप सिंह खाचरियावास ग्रेजुएट, राजेंद्र सिंह यादव ग्रेजुएट, रमेश मीणा ग्रेजुएट, गोविंद डोटासर बीएड, विश्वेंद्र सिंह पीयूसी, सुखराम बिश्नोई, टीकाराम जूली, अर्जुन सिंह बामनिया, लालचंद कटारिया, परसादी लाल मीणा, प्रमोद जैन भाया, साले मोहम्मद, उदयलाल आंजना इंटरमीडिएट और भजनलाल जाटव हाई स्कूल। यानी इस बार अशोक गहलोत अपनी पढ़ी लिखी टीम के साथ प्रदेश का विकास करने वाले हैं। अगर इन मंत्रियों ने सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक काम किया तो हो सकता है राजस्थान की जनता का कुछ भला हो जाए।